Assalamu alaikum students, hope you all will be fine. We are going to study computer class 5. Open the book, open page number 9. So I am going to discuss about generations of computers. So first three generations humne previous video mein discuss kiye hain, to aaj hum discuss karenge fourth generation computers. Fourth generation computers start with 1971 to present. Fourth generation computer हमने start किए 1971 से और present आज भी use हो रहे हैं. Fourth generation computer use the LSI large scale integration and microprocessor. Fourth generation computers जो हैं use करते हैं LSI large scale integration को और microprocessors को. It enable to fit millions of components on a small chip. ये enable करते हैं कि एक स्मॉल चिप पे मिलियंस ऑफ कंपोनेंट जो हैं वो फिट हुए हुए हैं. द इंटेल 4004 इज़ अ माइक्रो प्रोसेसर. इंटेल 4004 जो है वो एक माइक्रो प्रोसेसर है. माइक्रो प्रोसेसर आर इंटीग्रेटेड सर्किट्स दैट कंटेन थाउजेंड एंड मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स. माइक्रो प्रोसेसर जो हैं वो इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं जो जिनमें थाउजेंड और मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं, जो थाउजेंड और मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स से मिलकर बने हुए होते हैं. तो ये इतनी इसकी इससे इनकी स्टोरेज, इनकी प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है माइक्रो प्रोसेसर से, क्योंकि इनमें बहुत ये मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर से मिलकर बने हुए हैं. दीज कंप्यूटर्स वर मोर पावरफुल एंड इंक्लूडेड इनपुट आउटपुट कंट्रोल एंड अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ये कंप्यूटर जो हैं वो मोर पावरफुल हैं और इनमें इनपुट भी है, आउटपुट यूनिट भी हैं, कंट्रोल्स भी हैं, योर कंट्रोल यूनिट भी और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी है. एग्जाम्पल्स आर इंटेल 4004 एंड इंटेल 8080 जो है वो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की एग्जाम्पल है. लुक एट द फिगर 1.11. दिस फिगर शोज द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स. ये फिगर जो है वो शो कर रही है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स को. फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है वो ऐसे हैं, इनको PC कहते हैं. PC पर्सनल कंप्यूटर, क्योंकि पर्सनल कंप्यूटर के लिए भी यूज़ होते हैं. सो नेक्स्ट फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर. फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर क्या है? फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर ओनली इन द माइंड्स ऑफ एडवांस रिसर्च साइंटिस्ट एंड आर बीइंग टेस्टेड आउट इन द लेबोरेटरीज. फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो हैं वो क्या है? माइंड ऑफ एडवांस रिसर्च साइंटिस्ट हैं एंड आर बींग टेस्टेड आउट इन द लेबॉरेटरीज. इनके फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो हैं वो दीज कंप्यूटर्स विल बी अंडर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स हैं जिनमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हैं, जिन्हें हमने इंटेलिजेंट बनाया है. यानी कि कंप्यूटर जो है वो एक ऐसी मशीन है जो खुद से कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकती जब तक कि हम उसे कुछ नहीं देंगे. लेकिन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है वो एक उसको इस तरह से इन्होंने इंटेलिजेंट बनाया है कि वो अपने डिसीजन ले सकता है. कंप्यूटर इज़ नॉट अ डिसीजन मेकिंग मशीन, बट फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स को इन्होंने एक डिसीजन मेकिंग मशीन बनाया है. ये एक्ट करता है एज अ लाइक अ ह्यूमन की तरह एक्ट करता है. तो वट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज इंटेलिजेंस एग्जिबिटेड बाई मशीन्स. यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट वो इंटेलिजेंट है जो कोई मशीन हमें इंटेलिजेंट दिखाती है. यानी कि मशीन खुद से काम करे, या मशीन खुद से डिसीजन लेती है, मशीन एक्ट करे एज अ ह्यूमन. इट इज़ अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस विच डील्स विद क्रिएटिंग कंप्यूटर्स और मशीन्स एज इंटेलिजेंट एज ह्यूमन बींग्स. ये ब्रांच है कंप्यूटर साइंस की जिसमें के ये डील करते हैं, यानी कि कंप्यूटर और मशीन को ऐसे क्रिएट करते हैं, उनको इस तरीके से इंटेलिजेंट बनाते हैं कि वो ह्यूमन की तरह एक्ट करें, ह्यूमन की तरह इंटेलिजेंट बने, ह्यूमन की तरह खुद से डिसीजन लें, खुद से करेक्शन करें, खुद से चेक कर सकें और ह्यूमन की तरह खुद से काम कर सकें. कंप्यूटर जो हैं वो एक डिसीजन मेकिंग मशीन नहीं है. वो ह्यूमन की तरह एक्ट नहीं कर सकते. वो वही करेंगे जो हम उन्हें प्रोवाइड करेंगे. बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के थ्रू हम कंप्यूटर को उनमें ऐसे प्रोग्राम करते हैं, ऐसे प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं कि वो ह्यूमन की तरह एक्ट करें. लुक एट फिगर 1.12. रोबोट. रोबोट जो है वो क्या है? फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर. रोबोटिक्स जो हैं, रोबोट एक्ट करते हैं एज अ ह्यूमन, ह्यूमन की तरह एक्ट करते हैं, ह्यूमन की तरह काम कर सकते हैं,
ह्यूमन कितना ये इनके अंदर इनको ऐसे इस तरीके से क्रिएट किया गया है कि ये एक्ट करते हैं एज अ ह्यूमन. कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स. कंप्यूटर के कितने टाइप्स हैं? देयर आर फोर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन देयर स्पीड, साइज एंड मेमोरी. कंप्यूटर की फोर टाइप हैं कि उसकी स्पीड की बेस पर, साइज और मेमोरी की बेस पे उनको कैटेगराइज किया गया है. देयर आर एज फॉलोज. नंबर वन सुपर कंप्यूटर्स, नंबर टू मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, नंबर थ्री मिनी कंप्यूटर्स एंड नंबर फोर माइक्रो कंप्यूटर्स. लेट अस डिस्कस वन बाय वन दीज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स. अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन इन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स. नंबर वन सुपर कंप्यूटर. सुपर कंप्यूटर क्या है? सुपर कंप्यूटर्स आर द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर इन द वर्ल्ड. सुपर कंप्यूटर जो हैं सबसे ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर हैं वर्ल्ड में. दे हैव अ वेरी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी. इनकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो बहुत लार्ज है एंड हाई प्रोसेसिंग स्पीड, और प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो हाई. दे आर यूज मेनली इन वेदर फोरकास्टिंग, लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट्स एंड कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशन. इन्हें हम यूज़ करते हैं वेदर फोरकास्टिंग में, रॉकेट को लॉन्च करने के लिए, और कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए. यानी कि इनको हम यूज़ करते हैं कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. एग्जाम्पल्स ऑफ सुपर कंप्यूटर्स आर क्रे वन एंड बियॉल. सुपर कंप्यूटर की एग्जाम्पल्स क्या है? क्रे वन और बियॉल. सो सुपर कंप्यूटर लुक लाइक दिस. ठीक है, फिगर 1.13 सुपर कंप्यूटर जो है वो इस तरीके से हैं. सुपर कंप्यूटर जो है वो साइज में लार्ज होते हैं और दे आर यूज इन बिग ऑर्गेनाइजेशन एंड दे परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस. ठीक है, ये बिग ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होते हैं और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को परफॉर्म करते हैं. कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस के लिए हम इनको यूज़ करते हैं. टर्न द पेज. सो नेक्स्ट इज मेन फ्रेम कंप्यूटर. मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर लेस पावरफुल एंड लेस एक्सपेंसिव देन सुपर कंप्यूटर. मेन फ्रेम कंप्यूटर जो हैं वो लेस पावरफुल हैं और लेस एक्सपेंसिव हैं देन सुपर कंप्यूटर के. दे आर यूज्ड इन बिग ऑर्गेनाइजेशन सच एज बैंक्स, लार्ज इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एक्सेट्रा. एग्जाम्पल्स ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर IBM 390, Z900 एक्सेट्रा. इन्हें हम यूज़ करते हैं बिग ऑर्गेनाइजेशन में, बैंक्स में या लार्ज इंडस्ट्रियल एरिया में हम इनको यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल्स के मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की IBM 390 और Z900 है. सो लुक एट द फिगर 1.14. मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो हैं वो इस तरीके से हैं. ये पिक्चर मेन फ्रेम कंप्यूटर देखने में ऐसे होते हैं और इन्हें हम यूज़ करते हैं बिग ऑर्गेनाइजेशंस में. नंबर थ्री मिनी कंप्यूटर. मिनी कंप्यूटर आर जनरल पर्पस कंप्यूटर वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल कैन वर्क टुगेदर. मिनी कंप्यूटर जो है वो जनरल पर्पस कंप्यूटर हैं जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग इकट्ठे जो हैं वो काम कर सकते हैं. दे आर स्मॉलर देन द मेन फ्रेम कंप्यूटर. ये साइज में मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ मिनी कंप्यूटर आर PDP-8 एंड बैक्स जो है ये मिनी कंप्यूटर की एग्जाम्पल है. सो लुक एट द फिगर 1.15. मिनी कंप्यूटर लुक लाइक दिस. मिनी कंप्यूटर जो हैं वो इस तरह के होते हैं, देखने में साइज़ में जो है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर से स्मॉलर है. सो नेक्स्ट इज़ माइक्रो कंप्यूटर. माइक्रो कंप्यूटर क्या है? माइक्रो कंप्यूटर इज़ द लीस्ट एक्सपेंसिव ऑफ ऑल द कंप्यूटर. माइक्रो कंप्यूटर जो हैं वो सबसे कम एक्सपेंसिव हैं इन सब कंप्यूटर से. इट इज़ स्मॉलर इन साइज, साइज़ में छोटे दैन द मिनी कंप्यूटर. मिनी कंप्यूटर से भी साइज़ में छोटे हैं. इट इज़ यूजली यूज एज अ पर्सनल कंप्यूटर एट होम और फॉर बिजनेस पर्पजेज. इसे हम यूज़ करते हैं घर में पर्सनल कंप्यूटर के तौर पर भी और बिजनेस पर्पजेज के लिए भी यूज़ करते हैं. माइक्रो कंप्यूटर इज़ आल्सो नोन एज अ PC. माइक्रो कंप्यूटर को PC भी कहा जाता है, पर्सनल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और डेस्कटॉप. सो दिस पिक्चर शोज माइक्रो कंप्यूटर. ये पिक्चर जो है वो आपको शो करवा रही है माइक्रो कंप्यूटर ऐसा है, ठीक है, जैसे हम अपने घरों में यूज़ करते हैं. ये इसकी मॉनिटर, कीबोर्ड, ये इसका क्या है, ये CPU प्रोसेसर और इसके स्पीकर एंड माउस. माइक्रो कंप्यूटर के भी फर्दर इसमें डिफरेंट और कंप्यूटर हैं, लैपटॉप, नोटबुक्स. लैपटॉप प्रोवाइड मोबाइल कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी. लैपटॉप जो है वो हमें मोबाइल कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है.
जबकि लैपटॉप को हम मूव कर, जैसे मोबाइल को हम के मूव करते हैं, अपने साथ लेके जा सकते हैं, से लैपटॉप को भी हम लेके जा सकते हैं। तो ये मोबाइल कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी है। दीज आर कंप्यूटर्स दैट आर बैटरी ऑपरेटेड एंड हैंस कैन बी यूज एनी टाइम। और ये वाला जो कंप्यूटर है ये बैटरी ऑपरेटेड है, यानी कि एक तो बैटरी को आप चार्ज करते हैं और फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जो माइक्रो कंप्यूटर है उनको यूज़ करने के लिए आपको उनको पहले प्लग इन करना पड़ता है, फिर आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। लैपटॉप आर स्मॉल इनफ टू फिट ऑन द लैप ऑफ अ यूज़र। लैपटॉप जो है वो अब साइज़ में इतने छोटे भी आते हैं कि आपके यूज़र की हथेली के ऊपर भी फिट हो सकते हैं उनकी लैप पर। लैपटॉप लुक लाइक दिस, जो है फिगर 1.17 शोज़ लैपटॉप। नेक्स्ट है हैंड हेल्ड पॉकेट पीसी। अब क्या है हैंड हेल्ड और पॉकेट पीसी। पॉकेट पीसी मीन कि हैंड हेल्ड आपके हाथ में आ जाते हैं और आपकी पॉकेट में भी जो है वो साइज़ में इतने छोटे थे कि आपकी पॉकेट में भी आ सकते हैं। हैंड हेल्ड और पॉकेट पीसी आर इवन स्मॉलर देन लैपटॉप्स। ये लैपटॉप से भी छोटे हैं। दे यूज़ एन इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक राइटिंग पैड। इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक राइटिंग पैड यूज़ करते हैं। दे यूज़ अ टच सेंसिटिव स्क्रीन, ठीक है, टच स्क्रीन, जैसे आप मोबाइल टच मोबाइल यूज़ करते हैं, इसी तरह इस टच पैड आप इसका यूज़ करेंगे। टच सेंसिटिव स्क्रीन यूज़ करते हैं। द स्क्रीन यूजर्स फ्रॉम द कंस्ट्रेंट्स ऑफ अ कीबोर्ड। पॉकेट पीसी फिगर 1.18 शोज पॉकेट पीसी। ओके, कम टू द एक्सरसाइज। पेज नंबर 12। एक्सरसाइज, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड। ए पार्ट, करेक्ट ऑप्शन को चूज करें और जो स्पेस प्रोवाइड किया उसमें राइट करें। नंबर वन, डैश वॉज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सी थी? अबाकस। नंबर टू, बियॉल्फ इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। बियॉल्फ किसकी एग्जाम्पल है? सुपर कंप्यूटर की। नंबर थ्री, डैश वो यूज इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हम यूज़ करते थे। विच टेक्नोलॉजी इज यूज? वैक्यूम ट्यूब्स। नंबर फोर, डैश वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर। पहला कंप्यूटर कौन सा था? एनिएक। बी पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर वन, डैश इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। किसको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है? चार्ल्स बैबेज। नंबर टू, अ डैश इज अ पीस ऑफ पेपर दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर डूइंग कैलकुलेशन। पीस ऑफ पेपर जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है और हम उसे कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं, तो वो क्या है? पंच कार्ड। नंबर थ्री, एनालिटिकल इंजन वॉज बेस्ड अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ। एनालिटिकल इंजन जो है वो किस कॉन्सेप्ट की बेस पर है? IPU। नंबर फोर, डैश वर यूज इन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में हम यूज़ करते थे ट्रांजिस्टर्स। नंबर फाइव, डैश एंड डैश आर यूज इन द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ करते हैं LSI एंड माइक्रो प्रोसेसर। सी पार्ट, टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस। नंबर वन, अबाकस वॉज इन्वेंटेड बाई जैपनीज। अबाकस को जैपनीज ने इन्वेंट किया। फॉल्स, क्रॉस, अबाकस को चाइनीज ने इन्वेंट किया। नंबर टू, जेकार्ड लूम यूज द पंच कार्ड। जेकार्ड लूम जो है वो यूज़ करती है पंच कार्ड, तो ये है टिक, ट्रू। नंबर थ्री, डिफरेंस इंजन वॉज डिवेलप बाई चार्ल्स जॉन्स। डिफरेंस इंजन को चार्ल्स जॉन्स ने डिवेलप किया, तो ये फॉल्स है, यानी कि क्रॉस है। इसको डिवेलप किया चार्ल्स बैबेज ने। एनालिटिकल इंजन वर्क्स ऑन IPU कॉन्सेप्ट, ट्रू, टिक। ENIAC वॉज द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। ENIAC जो वो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर है, तो ये है क्रॉस, फॉल्स। ओके, नेक्स्ट, मैच द कॉलम्स। नंबर वन, चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज फादर ऑफ कंप्यूटर। नंबर टू, एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन IPO साइकिल। नंबर थ्री, अबाकस। अबाकस फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन। नंबर फोर, क्रेवन। क्रेवन सुपर कंप्यूटर। नंबर फाइव, एनिएक, वैक्यूम ट्यूब्स। नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग क्लूज एंड सर्च द फोर वर्ड्स इन द ग्रिड गिवन बिलो। इन क्लूज को रीड करें और फोर वर्ड्स को सर्च करें इस ग्रिड में जो आपको दिया गया है। सर्च अक्रॉस डाउनवर्ड। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर एनिएक।
First calculating device, abacus. Example of supercomputer, BIOS and Cray 1. Okay, come to the copy work. कॉपी वर्क हमने क्या करना है. सो नेक्स्ट पेज स्टार्ट करें. राइट डेट ऑन द टॉप ऑफ द पेज, चैप्टर नंबर एंड चैप्टर नेम, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स. सो स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज अ पंच कार्ड. क्वेश्चन राइट विद ब्लैक पेन. क्वेश्चन को राइट करना है आपने ब्लैक पेन से. पंच कार्ड. अ पंच कार्ड इज अ पीस ऑफ पेपर दैट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन फॉर डूइंग कैलकुलेशन. दिस इंफॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द होल्स इन इट. पंच कार्ड पीस ऑफ पेपर है जिसमें इंफॉर्मेशन होता है और हम कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. गिव टू एग्जाम्पल ऑफ सुपर कंप्यूटर मैन्युफैक्चर इन इंडिया. टू एग्जाम्पल है सुपर कंप्यूटर की सेम इंडिया में मैन्युफैक्चर करते हैं. सहस्रा टी, क्रे XC40, आदित्य, IBM, लिनोवो सिस्टम. क्वेश्चन नंबर 6. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. देयर आंसर. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. सुपर कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स एंड माइक्रो कंप्यूटर्स. क्वेश्चन नंबर सेवन. डिफाइन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. इन कंप्यूटर की इन टाइप्स को डिफाइन करें. सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर. सुपर कंप्यूटर. सुपर कंप्यूटर आर द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर इन द वर्ल्ड. नंबर 2. दे हैव अ लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी एंड हाई प्रोसेसिंग स्पीड्स. नंबर 3. दे आर यूज मेनली इन वेदर फोरकास्टिंग. देन एग्जाम्पल्स Cray 1 एंड BIOS. मेन फ्रेम कंप्यूटर्स. मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर लेस पावरफुल एंड लेस एक्सपेंसिव दैन सुपर कंप्यूटर्स. नंबर 2. दे आर यूज्ड इन बिग ऑर्गेनाइजेशंस सच एज बैंक्स. एग्जांपल्स IBM 390, Z900 एक्सेट्रा. मिनी कंप्यूटर्स. मिनी कंप्यूटर्स आर जनरल पर्पज़ कंप्यूटर्स वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल कैन वर्क टूगेदर. एग्जाम्पल्स PDP-8 एंड WEX. माइक्रो कंप्यूटर. नंबर 1. अ माइक्रो कंप्यूटर इज द लीस्ट एक्सपेंसिव ऑफ ऑल द कंप्यूटर. नंबर 2. इट इज स्मॉलर इन साइज. नंबर 3. इट इज यूज्ड एज अ पर्सनल कंप्यूटर एट होम और फॉर बिजनेस पर्पजेस. एग्जाम्पल्स PC, पर्सनल कंप्यूटर्स और डेस्कटॉप. सो क्वेश्चन आंसर कंप्लीट. कम टू द होमवर्क. सो टूडेज होमवर्क, लर्न पेज 9-10 एंड रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स विद एक्सरसाइज. रिमेनिंग जितने आपके लर्न पेज 9-10 एंड रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर्स विद एक्सरसाइज. सो चैप्टर नंबर 1 इज कंप्लीट.